सुबह के 5 बजे श्रीनगर मेरा घर। और ये देखो शहर हमारा कितना मस्त लग रहा है ना। आज छुट्टी का दिन है और इनमें से तो बहुत लोग अभी सो ही रहे होंगे। आज अच्छी खासी धूप निकली है, ये जुलाई का महीना है और हम कश्मीरियों को ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। इस गर्मी में नहाते तो सभी है पर ऐसे नहाने का फायदा क्या। तो हमने सोचा हम एक ऐसी जगह जाए, एक ऐसी जगह खोजे जहाँ सच में नहाने का अलग ही मजा है। एक ऐसा समर एक्सोटिक बात हो जाए कि सबके रोंगटे खड़े हो जाए। और ये मेरा कश्मीर है जिसे खुदा ने हर नियामत से नवाजा। So we are at the right place today to beat the summer heat. What do you say? Assalamu alaikum guys. It's the same place we started our vlogging in winters. I think it's the peak of summers. This is the closest place to Srinagar to have a dip in a chilled water. तो हमने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और इस जगह की खोज में निकल पड़े। पर ये खोज इतनी आसान होने वाली नहीं थी, बहुत चलना पड़ा। सोचा ये कुत्ता साथ रहेगा तो हमारी हिफाजत करेगा, पर यहां तो हमें इसकी हिफाजत करनी पड़ी। तीन घंटे बाद ही बड़ी जोर की नींद पड़ी। टेस्ट लाइक तमरिन, क्योंकि ज्यादा खट्टी भी नहीं है बट जंगली बेरीज बोलते हैं इनको। इट्स मेडिसिन टू लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब चलिए ये सस्पेंस हटाते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि ये जगह हमें मिली कहाँ। तो पहले हमें ये पहाड़ पार करना पड़ा, उसके बाद ये पहाड़ जिसपे एक लंबा सा पेड़ है, फिर हमने ये नदी फॉलो की। बिलीव मी दोस्तों, यहाँ के नजारे ही अलग हैं। तीन घंटा हाइक करते हुए ये पहाड़ हमने क्रॉस किया एंड फाइनली हम अपनी मंजिल के बहुत करीब थे। और जहां ये नदी बिल्कुल पेड़ों के बीच दिखना बंद हो जाती है, यही वो जगह है। Spots here in Dara where you can have a good bath, chilled water, and you can see on the behind a beautiful waterfall. Aisi jagah kahan dikhne ko milti hai.